आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा होना क्यों जरूरी है और डायबिटीज के मरीज को सफिशिएंट प्रोटीन लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अक्सर डायबिटीज के मरीज शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पैर पतले हो रहे हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हर 10 साल के अंदर 2.5% मसल मास लूज होता है। अब यदि मान लीजिए किसी के मसल मास पहले से ही कम है तो उसके डायबिटिक होने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अगर आपके डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट है तो आप प्रॉपर मसल मास बिल्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। और मसल मास अगर सफिशिएंट होगा तो जो आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो प्रॉपर मसल्स में जाके मेटाबोलाइज होता है। अब अगर मसल मास कम होगा तो ऐसे में जो कार्बोहाइड्रेट आपने खाया वो मेटाबोलाइज नहीं होगा और जो एक्सेस मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होगी वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और मोटापा बढ़ेगा और फिर कारण बनेगा डायबिटीज का। तो यदि आपके सफिशिएंट मसल मास है तो पहले तो आप डायबिटिक होंगे नहीं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको सफिशिएंट मसल मास होना चाहिए जिससे आप अपने ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल कर पाए। तो प्रोटीन दरअसल हमारे भोजन में हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है और जब भी हमारे बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है तो उसे रिपेयर किया जाता है प्रोटीन से, और इसके साथ में प्रोटीन की जरूरत होती है कई सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स के लिए, साथ में ये ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और ये इसेंशियल है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर। अब जहां तक सवाल है फैट का, तो फैट भी इसेंशियल है। क्यों इसेंशियल है? क्योंकि एक तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में नंबर दो पर ये इसेंशियल सोर्स है एनर्जी का, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जरूरी है हार्मोनल बैलेंस के लिए और उससे भी जरूरी है जो आपका शरीर बन रहा है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर फैट की आवश्यकता है, उसके बिना आपका सेल नहीं बनेगा। तो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में आपको प्रोटीन लगेगा तो साथ में फैट की भी आवश्यकता है, तो ये दोनों तो हो गए इसेंशियल। अब जहां तक सवाल रहा कार्बोहाइड्रेट का, ये बेसिकली नॉन इसेंशियल माना जाता है क्योंकि ये जस्ट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और एनर्जी का सोर्स बॉडी में फैट भी है, तो ये नॉन इसेंशियल हो गया। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सपोज करो आपने घर के अंदर बल्ब लगाया, पंखा लगाया, फ्रिज रखा, अब इनको चलाने के लिए आपको पावर की जरूरत है जो आपको पावर हाउस से मिलती है। सपोज करिए पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आप अल्टरनेट सोर्स पर जा सकते हैं, जैसे विंडमाइल एनर्जी है या फिर इन्वर्टर या फिर किसी जनरेटर से, पेट्रोल से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड कर सकते हैं, सोलर पावर यूज कर सकते हैं, तो इसके कई सारे अल्टरनेट्स आपके पास में मौजूद हैं। तो पावर हाउस से आपको सप्लाई मिलेगी इसेंशियल नहीं है, उसी तरह से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल नहीं है। और हम कर क्या रहे हैं? हम डर रहे हैं प्रोटीन खाने से। लोग बोलते हैं प्रोटीन ज्यादा खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। इवन जिन लोगों को मसल मास बिल्ड करना होता है, जिम जो जा रहे होते हैं, उन्हें भी लोग डरा देते हैं ये बोल करके कि आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो हमने किया क्या, प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से। फिर जब फैट की बात आती है तो फिर हम दूसरा डायलॉग देते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा ज्यादा फैट खाओगे, तो फैट को भी रिप्लेस कर दिया कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में पहुंच गया 70% प्लस प्लस और घट गया प्रोटीन और फैट। तो इसके रिपरकेशन क्या हुए? जब कार्बोहाइड्रेट डाइट में बढ़ेगा वहीं प्रोटीन घटेगा तो मसल मास कम रह जाएगा। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो ढेर सारा आ गया, अब ये कंज्यूम कैसे होगा? तो बजाय कंज्यूम होने के ये चला जाता है स्टोरेज में, और जब ये स्टोरेज में जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो जब आपकी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच होगी तो फैटी लीवर से लेके मोटापे से लेकर के सारी चीजें आपके शरीर में बिल्ट होंगी जो पिछले 30 से 40 साल में हमारे देश में देखने में आ रहा है। फैटी लीवर से लेके मोटापा, पीसीओडी, हार्ट अटैक या फिर वजन का बढ़ना, स्नोरिंग, फिर डायबिटीज, डायबिटीज के बाद के कॉम्प्लिकेशन, बाद के जो कॉम्प्लिकेशन है वो और सीवियर है, जैसे आंखों का खराब होना, नेफ्रोपैथी या फिर हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरोपैथी। तो ऐसे करीब 24 इलनेसेस हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट के कारण हुए, और वजन बढ़ेगा तो आर्थराइटिस और बैक पेन भी आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को हमको घटाना है, डाइट में कार्ब घटाने हैं तो ब्लड शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल आएगी
और ये सारी चीजों से धीरे धीरे हमको निजात मिलेगी। परंतु अगर हम डाइट में सफिशियंट प्रोटीन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को घटा पाएंगे। अब अगर हमको प्रोटीन को सफिशियंट करना है, सफिशियंट से मेरा मतलब क्या है, आपके भोजन के अंदर लगभग 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन पर डे मिलना चाहिए। अब समस्या कहाँ आती है, एक एवरेज इंडियन मात्र 30 से 40 ग्राम प्रोटीन ही कंज्यूम करता है, क्योंकि मोर ओवर है हम वेजिटेरियन, और जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो भी बड़ी मात्रा में नॉनवेज खाते नहीं। तो जब 30 से 40 ग्राम लेंगे, जहां रिक्वायरमेंट 50 से 80 ग्राम है, तो इसको कंपनसेट हम कार्बोहाइड्रेट से कर लेते हैं, तो जैसा मैंने बताया ढेर सारी बीमारियां बढ़ती हैं। अब हमको जरूरत है 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की, और जिनको पहलवानी करनी है उनको जरूरत है 1 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की। तो इतनी हाई अमाउंट अगर हमें चाहिए तो दो सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो इम्पॉर्टेंट है, पहला जो आता है वो है नॉन वेज और दूसरा आता है वेज, तो इनके बारे में हम जानेंगे। अब जहां तक सवाल है नॉन वेज प्रोटीन का, इसके अंदर जो मेन हमको प्रोटीन आता है, क्योंकि नॉन वेज में दो ही चीजें हैं, ये आपको जान के सरप्राइज होगा, नॉन वेज में मात्र प्रोटीन है और फैट है। जैसे ह्यूमन बॉडी, इसमें क्या है, प्रोटीन और फैट, शुगर बहुत ही कम है, ह्यूमन बॉडी में शुगर मात्र आधा किलो है, इससे ऊपर नहीं है। ऐसे ही किसी भी एनिमल में शुगर नहीं है, उसमें प्रोटीन है या फैट है। तो जब आप अंडा खाते हैं, दो अंडे खाएंगे 100 ग्राम के, तो उसमें 12 ग्राम प्रोटीन आएगा। चिकन लेंगे तो लगभग 27 ग्राम, वहीं फिश लेंगे 22 ग्राम, और अगर रेड मीट लेंगे तो 27 ग्राम। अब रेड मीट करता है इन्फ्लामेशन, वहीं फिश, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये ज्यादा बेहतर आपके पास में सोर्स है प्रोटीन का। एग भी ठीक ठाक है, चिकन भी ठीक ठाक है, पर रेड मीट का कम कंजम्पशन करें। परंतु क्या कोई ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर, या फिर प्रोटीन का सोर्स है जिसके अंदर इससे बेहतर प्रोटीन की मात्रा हो, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर मैं एक नई चीज की, जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये है एडामामे बीन्स। ये बीन्स अब अवेलेबल है इंडिया के अंदर, दरअसल ये हमारे देश के बाहर काफी प्रचलित हो रहे हैं, जैसे जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएस, यूरोप, इनके अंदर इसका प्रचलन बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ग्लोबली। किसी भी चीज को उठा लीजिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा है 46 ग्राम, जितने भी आपने नॉनवेज सोर्स देखे उससे ऑलमोस्ट डबल। उसके साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट है मात्र 11 ग्राम, तो ये आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा। अगर आपने सर्विंग साइज 25 ग्राम की ली तो मात्र 2-2.5 ग्राम इसमें कार्ब आएगा, तो ब्लड शुगर को ये स्पाइक करता ही नहीं। वहीं प्रोटीन की आपको 12 ग्राम की मात्रा मिल जाती है एक छोटी सी सर्विंग साइज में। फिर इसमें फाइबर काफी अच्छा है, ये फाइबर रिच है। तो ये जो एडामामे बीन्स है ये अब अपने इंडिया में भी अवेलेबल है, और इसको डॉक्टर एरन्स ने इंट्रोड्यूस किया है। अब ये तीन वर्जन में अवेलेबल है। पहला है माइल्ड सॉल्ट के साथ, जिसको कोई भी पेशेंट ले सकता है, जैसे जिन लोगों को बॉडी बिल्ड करनी है, जो जिम जाते हैं तो वो इसका सेवन करें, जिनको हेल्दी फूड्स की ज्यादा चाहते हैं वो इसका सेवन करें, फिर जो डायबिटीज के पेशेंट है जिनको प्रोटीन सफिशेंट चाहिए वो इसका सेवन कर सकते हैं। इवन हार्ट का भी अगर पेशेंट है तो इसमें बहुत ही माइल्ड सॉल्ट है, वो सेफली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो पहला सॉल्टेड वर्जन, दूसरा मैजिक मसाला, और तीसरा है चीज वर्जन। तो अब ये अवेलेबल है इंडिया में, आप इसको अमेजोन से या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेज वर्जन्स क्या है। वेज वर्जन्स के अंदर आता है सोए, परंतु इसका नाम काफी खराब है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जीएमओ के कारण। उसके बाद में दूसरा एंटी न्यूट्रिएंट या फिर कोलीस्ट्रेस इनहिबिटर्स के कारण है, और थायराइड के अंदर तो ये काफी बदनाम है। परंतु एडामामे बीन्स जो है वो 64 डेज की क्रॉप है, जीएमओ फ्री है, इसके साथ में कोलीस्ट्रेस इनहिबिटर और एंटी न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन 64 डेज में बन ही नहीं पाता, तो वो पूरी तरह से सेफ हो जाती है, और फिर उसको हीटिंग प्रोसेस से निकाला जाता है, तो वो पूरी तरह से सेफ है। अब जो दूसरे ऑप्शन आते हैं प्रोटीन के, जिनके बारे में शायद आपने भी ना सुना हो, जैसे ओट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वैसे ही मिलेट्स और बकवीट, इनमें भी करीब 11 से 13 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसकी हम रोटी खाते हैं या फिर ओट्स को या फिर इवन दलिया। एक्चुअली इन्होंने भी, ये बेसिकली किसी दूसरे की साइट से ली गई स्लाइड है, सैफरन करके कोई साइट है, इन्होंने भी
यहाँ पर गेहूं का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि गेहूं में होता है ग्लूटेन, कितना है 12 से 14 ग्राम और वो भी प्रोटीन है। पर चूंकि 4 लोगों में क्रॉन्स डिसीज और करीब 6% के अंदर, 4% में क्रॉन्स डिसीज और लगभग 6% में, टोटल 10% लोगों में ये थोड़ी बहुत GI अपसेट कर सकता है या फिर किसी प्रकार का एलर्जी कर सकता है, तो इसके लिए इसको यहाँ पर शो इन्होंने नहीं किया है। अदरवाइज जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं उसके अंदर भी 12 से 14 ग्राम प्रोटीन है, वो बात अलग है, उसके अंदर कार्ब काफी अधिक है, जितना कार्ब इनमें भी है। बकवीट में और गेहूं में सेम कार्ब है, मिलेट और ओट्स में 55 ग्राम कार्ब है जबकि गेहूं में 60 है, तो कोई कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, तो प्रोटीन आपके गेहूं में भी है। तो ओट्स, मिलेट्स, बकवीट, गेहूं, इन सभी में प्रोटीन ठीक ठाक क्वांटिटी में है। अब जहां तक सवाल है आपके पीनट बटर का, इसमें 25 ग्राम, चीज में 24 ग्राम, नट्स में 15 से 26 ग्राम, दालों के अंदर 17 से 24 ग्राम और लेग्यूम्स मतलब राजमा वगैरह के अंदर यह है 19 से 24 ग्राम। तो ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पर एडमामे में कितना है, इसका जस्ट डबल। तो जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए रह जाते हैं वो रह जाते हैं नट्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस, ये तीन पर हम लोग सबसे अधिक काम करते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ और बदनाम कर दिए गए, देखिए सोया बदनाम है, मिल्क क्या बोल के बदनाम किया है कि ये तो भाई पछड़े का दूध था आप पी गए, फिर इंजेक्शन लगा लगा करके आपके ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देगा और इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकाला जाता है, हालांकि वो बात कुछ हद तक सही भी है, वो गलत भी नहीं है, ठीक है, पर बदनाम बहुत किया है जबकि हमारे कल्चर में दूध को अमृत बोला गया है। फिर इसके बाद में ओट्स, मिलेट और बकवीट, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि ये भी अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करते, इवन गेहूं उसे हम कंसिडर ही नहीं करते। फिर उसके बाद में जहां तक सवाल आता है चीज का, तो फिर इसमें फैट ज्यादा है तो भाई मेरा हार्ट में ब्लॉक ना कर दे, फिर इसके बाद में पीनट बटर तो इसमें भी फैट ज्यादा है तो भाई मूंगफली सेफ है कि नहीं, तो ये सब में कंट्रोवर्सी इतनी डाल दी है कि एक आम इंसान प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाता है। तो प्रोटीन आपको सफिशिएंट लेना बहुत जरूरी है, और यहां जैसा मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, कम अमाउंट के अंदर आप बेहतरीन प्रोटीन ले सकते हैं, दैट इज एडामामे बीन्स, 46 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है, और जो दूसरे मसाला और चीज वर्जन है उसमें करीब 40 ग्राम है। इसके साथ में फाइबर इसका रिच सोर्स है, फाइबर का ये, और कार्बोहाइड्रेट काफी कम है, तो डायबिटीज हो या फिर दूसरे कोई भी लोग हो उन सब के लिए ये काफी सेफ है, और अब ये तीन वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है जैसा मैंने आपको बताया। तो अब आपको प्रोटीन की सफिशियंट मात्रा लेनी है जिससे आपने मसल मास को आप बिल्ड कर सकें, और वो कितनी है, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 50 किलो बेयर मिनिमम फीमेल्स का एटलीस्ट वजन होना चाहिए 50 के आसपास, तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन दिन में लें। अगर इसकी एक सर्विंग भी लेते हैं तो 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, दो सर्विंग लेते हैं 24 ग्राम मिल जाता है, बाकी के आपके नॉर्मल फूड में आएगा। वहीं पर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज कंज्यूम कर सकते हैं। जहां तक वजन का सवाल है, 50 से लेकर के 70 या 80 किलो तक मेल्स का वजन जाता है, फीमेल्स का 50 के आसपास, तो वो करीब 70 से 80 ग्राम प्रोटीन पर डे का कंज्यूम करें, जिससे कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंसी घटेगी। फैट सफिशियंट अमाउंट में लें, पर उसके पहले ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल चेक कर लें, फैट सफिशियंट लें, प्रोटीन सफिशियंट लें जिससे कार्बोहाइड्रेट घटे और आप डायबिटीज और ढेर सारे इलनेसेस से बाहर आ सकें। तो प्रोटीन की आपको जरूरत है, चाहे आप मसल मास बिल्ड कर रहे हो, आपको हेल्दी फूड चाहिए हो, आप डायबिटिक हो, नॉर्मल इंडिविजुअल हो, तो इन सोर्सेस से आप प्रोटीन की मात्रा को सफिशियंट रखते हुए ढेर सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और इन प्रोडक्ट्स को आप Amazon और लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज के पेशेंट्स हाथ पैर पतला होने, मसल मास कम होने की शिकायत अक्सर करते हैं, ऐसे में समस्या आती है प्रोटीन की। ऐसे में लोग अलग अलग प्रोटीन के सोर्सेज की तलाश में रहते हैं, इसीलिए डॉक्टर एरन पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडमामे बीन, जिसमें दाल, बादाम, पनीर, यहाँ तक कि फिश और चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन ये पूरी तरह वेजिटेरियन है और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ाता। इसे आप शाम के नाश्ते में या फिर यात्रा के समय हेल्दी स्नैक के रूप में ले सकते हैं। तो आज ही आजमाइए डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली एडमामे बीन, शुगर कंट्रोल बड़ी आसानी से।